अरे हम दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ में होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बनाने जा रहे हैं गणेश भगवान जी की मूर्ति तथा बनाना सीखेंगे। तो पहले तो बेस बनाने के लिए थोड़ा इस प्रकार का मिट्टी ले लेंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा मिट्टी लेंगे ढेर सारा, और कुछ इस प्रकार से दोस्तों स्लैब की तरह बना लेंगे और बीच में खोखला करके कुछ इस प्रकार से गोल शेप की तरह बना लेंगे, क्योंकि हम शंख के ऊपर बैठाने वाले हैं गणेश भगवान जी को। तो पहले तो शंख की तरह कुछ इस प्रकार से ढांचा बना लेंगे, देख सकते हो इसी प्रकार से बना देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे पहले। शंख को बना देने के बाद और थोड़ा सा मिट्टी ले लेंगे। मिट्टी ले करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से लंबा कॉइल बना देंगे। कॉइल बना करके दो भाग करके इसी को हम पैर बना देंगे, कुछ इस प्रकार से बिठाएंगे दोस्तों। देख सकते हो इसी प्रकार से बना देंगे दो पैर। पैरों को बना देने के बाद बीच में जो गैप रहेगा उसी को भरने के लिए थोड़ा सा और मिट्टी लेंगे, वहाँ पर भर देंगे। भर देने के बाद दोस्तों और ढेर सारा मिट्टी ले लेंगे और पेट बना देंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बेल बेल करके लड्डू की तरह बना करके। इसी को दोस्तों हम पैरों के साथ ज्वाइंट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। वहाँ पे ज्वाइंट कर देने के बाद दोस्तों देख सकते हो जंग साइड में थोड़ा पतला पतला हो गया है, तो इसीलिए हम वहाँ पे मिट्टी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। इतना बना देने के बाद अभी धोती को बनाते जाएंगे दोस्तों नीचे से ही, तो इसलिए हम धोती को पहले बना देते हैं, मतलब ये दो स्ट्रक्चर की तरह बना देंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों। पतला पतला स्लैब की तरह बना लेंगे दोनों साइड के लिए दो, तो इसी प्रकार से बना देने के बाद दो को चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से। चिपका देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से टूल लेंगे, टूल की मदद से कुछ इस प्रकार से फोल्ड बना लेंगे धोती की फोल्ड। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद दोस्तों वहाँ पे ब्रश की मदद से फिनिशिंग कर देंगे, क्योंकि हाथों से करेंगे तो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर एक ब्रश का यूज़ करेंगे ताकि स्मूथली हो जाए फिनिशिंग। और एक बात भूल गया मित्रों, हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी प्रकार की मूर्ति मेकिंग वीडियो देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो, और आगे इसी गणेश भगवान जी को कलर पेंट करना भी सीखेंगे दोस्तों, तो इसीलिए चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो अभी हम बना रहे हैं कमरबंधन। कमरबंधन बनाने के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से पतला कॉइल बना लेंगे दोनों साइड के लिए, और कुछ इस प्रकार से वहाँ पे बना देने के बाद टूल की मदद से सिंपल डिजाइन बना लेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार से बना देने के बाद हमारा हो गया है कमरबंधन रेडी। तो अभी हम ऊपर की तरफ देखते हैं दोस्तों, ऊपर की तरफ हमने चेस्ट बना देंगे। अभी चेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी वहाँ पे जहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ वहाँ पे ऐड कर देंगे, तो बन गया हमारा चेस्ट। और इसी प्रकार से बना देने के बाद अभी और जैसे पैरों के लिए कॉइल बनाए थे उसी प्रकार से लंबा कॉइल बना करके उसी को भी दो भाग करके दोस्तों दोनों हाथ बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। उंगलियाँ बनाने के लिए दोस्तों छोटा छोटा कॉइल बना लेंगे, कॉइल बना करके कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे तो हो जाएगा हमारा उंगली। और बना देने के बाद दोस्तों इसी को दोनों हाथ इसी तरह बना लेंगे, मैंने बस एक हाथ को बना करके दिखाया है, तो इसी की तरह जॉइंट कर देंगे दोस्तों दोनों हाथों को। मैं बस दो भुजाओं वाला ही बना रहा हूँ दोस्तों, आप चाहो तो चारों भुजाओं वाला भी बना सकते हैं, यहाँ पे और दो हाथ ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इतना बना देने के बाद तो हमारा आधा मूर्ति बन चुका है। अभी दोस्तों ऊपर की तरफ थोड़ा सा मिट्टी अर देंगे, ये हो गया हमारा गणेश भगवान जी का गर्दन। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद अब भी गोल्ड का बनाते जाएंगे, ना तो कि कंगन ज्वेलरी ये सब बना देंगे दोस्तों पतला पतला कॉइल बना करके, और टूल की मदद से यहाँ पे डिज़ाइन कर देंगे। अभी बस यहाँ पे स्ट्रक्चर की तरह बना लेंगे पहले सबको।
दोस्तों पूरी मूर्ति का तो बना चुके हैं, अभी बस रह गया है चेहरा। चेहरे को बनाने के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा मिट्टी ले लेंगे शरीर के अकॉर्डिंग। तो इसी को बना देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से ऊपर के साइड में मुकुट पहले तो बना देंगे, क्योंकि मुकुट बाद में बनाएंगे तो जो पेस्ट बनाए होंगे उसी को डैमेज हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है। तो इसीलिए पहले मुकुट का बनाना जरूरी है, तो इसीलिए बना देंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो इतना बना देने के बाद थोड़ा थोड़ा टूल की मदद से डिजाइन भी कर लेंगे ताकि और भी सुंदर दिख सके। इतना बना देने के बाद दोस्तों अभी पेस्ट को बनाना शुरू करेंगे। दोस्त आँख बनाने के जगहों पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से उंगली से यहाँ पे प्रेस कर देंगे। प्रेस कर देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से छोटा सा कॉयल लेंगे, कॉयल बना करके वहाँ पे चिपका देंगे सामने के साइड। हो गया हमारा सूंड गणेश भगवान जी की। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद गालों के साइड में थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर देंगे ताकि वहाँ पे अच्छे से गाल और भी ऊपर कर दिखाई दे। तो इसी प्रकार से दोस्तों धीरे धीरे बनाते जाएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। बस ये तो चेहरा ही बाकी रह गया है, तो इसी को धीरे धीरे बनाते जाएंगे। దైవత బప్ప వినాయక మహద్వారయ నగరీ సాతో రాజా వినాయక రాజా వినాయక రాజా వినాయక రాజా వినాయక రాజా వినాయక హే గజానన హే గజానన హే గజానన హే గజానన హే గజానన। दोस्तों अभी बना रहे गणेश भगवान जी की वाहन को मिशक, जो कि मिशक राज, मिशक राज को दोस्तों कुछ इस प्रकार से बना देने के बाद दोस्तों हमारा मूर्ति जो है कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे बने रहने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे। और ये देख सकते हो दोस्तों हमारा गणेश भगवान जी की फाइनल लुक।